मृतक महादेव के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मृतक की बहन ने कहा कि केस वापसी को लेकर आरोपियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी जा रही है। मृतक महादेव की बहन काजल ने बताया कि 27 दिसंबर को दुकान की जलन की भावना से झगड़ा हुआ। इलाज के दौरान महादेव की मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दो दिन से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल की थी। पुलिस के आश्वासन के बाद कल भूख हड़ताल खत्म की गई थी, लेकिन आरोपियों के पक्ष की ओर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नरेश शर्मा और गुड्डन जान से मारने की एवं जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं। समस्या ये है कि कल रात को 11:30 बजे मुझे धमकी आई है, डीजल डाल के तेरी हत्या करवा देंगे, इस केस को रफा दफा कर, राजीनामा करो हमसे। नरेश शर्मा, क्या मामला है पूरा ये बता। मामला ये, मेरे भाई का मर्डर कर दिया था दुकान की जलन की वजह से। 27 दिसंबर को झगड़ा हुआ था, 29 दिसंबर को मेरे भाई की डेथ हो गई थी जयपुर ट्रामा सेंटर में, अलवर सैयद खेड़लीगा उद्योग नगर MIA थाना। ये है, आपके द्वारा भूख हड़ताल भी की जा रही थी। भूख हड़ताल की जा रही थी, कल हमको आश्वासन दिया गया कि 10 दिन के अंदर सात मुजरिम अरेस्ट कर लिए। अभी ये जो आपको धमकी दी गई, आप मिले क्या अंदर जाकर अधिकारी थे? अभी बस जस्ट मिलने ही जा रही थी। कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? नरेश शर्मा, भगवान दास का साड़ू, भगवान दास की लड़की गुड्डन। तो इसकी आपने पुलिस को सूचना दी? अभी जस्ट देने ही जा रही थी सर।